पानीपत जिले के उग्राखेड़ी गांव में 12 गांवों की पंचायत हुई। पंचायत में पानीपत के गैंगस्टर मनोज बाबा के अवैध निर्माण पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई पर चर्चा की गई। पंचायत ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि यह कार्रवाई टारगेटेड थी। पंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि पानीपत में मनोज बाबा के नाम पर जो कार्रवाई की गई उससे मनोज का कोई लेना देना ही नहीं है। ये प्रॉपर्टी मनोज के भाई जगपाल और दलबाग की है। पंचायत ने यह भी कहा कि अगर इन दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी पर प्रशासन ने कार्रवाई करनी थी तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। अचानक से की गई कार्रवाई से दोनों भाइयों का रोजगार ठप हो गया है। पंचायत ने इस मामले में 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी एमपी संजय भाटिया से मिलकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाएगी। तो पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर मनोज पर कार्रवाई की गई तो वहीं 12 गांव के पंचायत हुई, और जहां पर पंचायत समिति का यह भी कहना है कि यह कार्रवाई टारगेटेड थी। तो 12 कल जो ये अत्याचार हमारे साथ किया गया, आज गांव की 36 बिरादरी ने गांव को वांडे को जो पंचायत बनाई थी, क्योंकि मेरा गांव पंचायत को और न्याय के कानून को मानने वाला गांव है। इस गांव का हमेशा से इतिहास रहा है। आने वाले समय में हम जो बहुत ही अभी एमपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले कर्तव्य है प्रशासन से अपनी अपील करना। इसमें फैसला लिया गया कि कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी एसपी डीसी से मिलेगी और आगामी कार्रवाई उसके बाद होगी। जो होगी ये कार्रवाई गलत करी गई जी, क्योंकि देखो जो मनोज के नाम जमीन है वो तो अलग है, और ये इसके बड़े भाई की जो जमीन है ना उस पर जो तोड़ फोड़ करी गई उस पर करी गई, ये हमारे हिसाब से गलत हो गया। पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर मनोज पर की गई कार्रवाई को लेकर 12 गांव की पंचायतों ने बैठक की, और साथ ही आपको बता दें कि इसमें पंचायत समिति ने बयान देते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा की गई ये कार्रवाई टारगेटेड थी, अगर कार्रवाई की जानी थी तो उसके लिए पहले नोटिस देना चाहिए था।